कल हम लोगों ने 2.3 प्रश्नावली की थी बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2.4। ओके, आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, वही चीज बार बार बोल रही हूँ मैं कि एक चर की ही इक्वेशन बनेंगी, इसमें समीकरण बनेंगे आपके। चर आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक ही चर आएगा पूरे समीकरण के अंदर, ठीक है। तो जो समीकरण में पहला जो क्वेश्चन है आपका प्रश्नावली 2.4 में पहला क्वेश्चन है बेटा, अमीना एक संख्या सोचती है, वो इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुणा करती है। कोई एक संख्या सोचती है वो, और फिर क्या करती है, उसमें से 5/2 को घटा देती है उस संख्या में से, ठीक है। अब जो परिणाम मिलता है उसे माइनस करने के बाद, घटाने के बाद जो परिणाम मिल रहा है वह सोची गई संख्या का 3 गुना है, ठीक है। वो सोची गई संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है, उसने सोची गई संख्या को मान लिया हमने, क्या माना बेटा, एक्स, ठीक है। अब जो कह रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रश्न के अनुसार है आपके, प्रश्न के अकॉर्डिंग क्या, प्रश्न के अनुसार है आपका कि जो संख्या है उसमें से 5/2 घटाना है। तो जो संख्या मानी है हमने उसमें से क्या घटाना है, 5/2। अब जो बच रहा है, अब ये जो है इसमें जो बचा हुआ, मतलब ये इसमें से 5/2 घटा दो, अभी जो है पूरा इसको 8 से गुणा करना है, ठीक है। उसने यही बोला है ना कि जो घटा का परिणाम आया, ये परिणाम आया उसको किससे गुणा करना है, 8 से बेटा, ठीक है। अब जो परिणाम मिलता है, ये जो पूरा परिणाम है वो क्या है बेटा, सोची गई संख्या का 3 गुना है, ठीक है। तो ये सोची गई संख्या x थी, इसका 3 गुना कितना होगा बेटा, 3x, तो 3x हो गया। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, जब आपका इन क्वेश्चंस में क्या होता है बेटा, ये जो हमारे लैंग्वेज वाले होते हैं, ये इस तरीके के क्वेश्चंस से अगर हमारा समीकरण सही बन गया तो पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारा समीकरण नहीं बना ठीक से, इसमें कोई गलती हो गई हमसे, तो ये आपका आंसर कभी भी सही नहीं आ सकता, आपका उत्तर सही नहीं आएगा, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं बेटा। अब कैसे करेंगे ये देख लीजिए, ऐसे ही करते हैं, ऐसे है ना, ये है बेटा, ये गुणा में है। कभी भी ब्रैकेट के आगे किसी भी डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उस डिजिट का मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबरों से करते हैं, जो भी 2, 3 जितनी भी डिजिट होंगी सबसे करेंगे बेटा। तो x का गुणा कर किससे करेंगे, 8 का करेंगे, x से 8 का करेंगे 5/2 से। तो जब 8 का गुणा x से किया तो 8x हो गया, और 5/2 से 8 का किया बेटा तो 2 4 8 हो गया, 4 आ गया, ठीक है। तो 4 5 20, अब ये 3x तो आपका चल ही रहा है बेटा, समझ में आ गया, 8x-20 30 कैसे आया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 8x-3x, ये जो गया है प्लस का 3x है, इधर जाएगा तो माइनस का 3x हो गया। अब ये जो माइनस का है बेटा, इधर जाएगा बराबर के, इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो 5x हो गया बेटा। अभी 20 का 20, 5 गुणा में है, भाग में चला जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/5। तो 5 से जब 20 को भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा, 4 आएगा। तो सोची गई संख्या क्या होगी आपकी, x थी, x क्या आया हमारा, 4 है। तो सोची गई संख्या कितनी है हमारी, 4 है बेटा। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, एक बार नहीं दो बार नहीं, बार बार देखो इसे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न कह रहा है आपसे, दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। दो संख्याएं हैं बेटा, उसमें पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 5 गुनी है। तो दूसरी संख्या को मैंने मान लिया है बेटा, क्या मान लिया है, एक्स। तो पहली संख्या क्या होगी, 5x होगी, क्योंकि 5 गुनी है, 5 गुनी का मतलब 5x हो गया बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब उसके प्रश्न के अनुसार कह रहा है उसी में बेटा, प्रत्येक संख्या में, मतलब पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, पहली संख्या में दूसरी संख्या में, दोनों में, प्रत्येक में 21 जोड़ने पर, मतलब प्रत्येक संख्या में मैंने क्या जोड़ दिया बेटा, 21, एक्स में भी और 5x में भी, ठीक है। अब कह रहा है वो 21 जोड़ने पर पहली संख्या, जो पहली संख्या है हमारी क्या है, 5x वाली, ये वाली संख्या जो हमारी बनी है वो बेटा दूसरी संख्या की दुगनी है। इस दूसरी संख्या की क्या है, ये वाली संख्या दुगनी है, ये वाली संख्या दुगनी है इसकी बेटा। जब ये दुगनी है और इसे हमें दुगनी करना है तो क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसे। चलो दूसरे एक उदाहरण से समझते हैं, मान के चलो मैं कहती हूँ कि मेरे पास 4 बुक्स हैं और आपके पास
एक है। अब मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास जो है वो आपकी बुक से, मतलब आपके पास जितनी किताबें हैं उसकी चार गुना है, मतलब आपके पास एक है तो मेरे पास चार है। अगर मुझे आपकी और मेरी बराबर करनी है तो कैसे करेंगे, आपकी बुक में चार से गुणा कर दूँ मैं, क्योंकि चार गुना मेरी है, मेरी तो ऑलरेडी है, मैं अपनी में गुणा करूँगी तो मेरी तो और ज़्यादा हो जाएगी ना, मैं किसकी में करूँगी, आपकी में करूँगी, जो नहीं है उसमें तो करेंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पर है बेटा कि इसमें तो गुणा है, डबल है, ये वाली संख्या आपकी जो पहली संख्या है वो तो डबल है, बट इसे डबल बनाना है। जब इसे डबल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, दो का गुणा करेंगे पूरी इक्वेशन में, पूरे में। मैंने पहले ही बताया, इसमें भी बताया कि जो ब्रैकेट होगा तो पूरे में होगा। 2 का x से करेंगे तो 2x प्लस 21, ठीक है, 2x का x से क्या 2x प्लस 21 का 2 से किया 42। ओके, समझ में आ गया बेटा। अब 5x प्लस 21, ओके, 2x प्लस 42 इजिकल्स टू 5x प्लस 21, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। 42 माइनस 21, अब आप लोग सोचोगे मैम ने यहाँ पे पहले तो हमेशा चर वाले लेती थी इस तरफ, अब इस तरफ ले लिए मैम ने चर वाले। वो रीज़न है बेटा कि अगर मैं इस तरफ लेती हूँ कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकती हो, लेकिन माइनस में आएगी फिर वो आपकी, क्योंकि ये वाली संख्या आपकी छोटी है ना, तो बड़ी माइनस करोगे छोटी में से तो वो माइनस में आएगी ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो और जो दूसरा वाला तरीका है वो भी। तो 42 में से 21 माइनस करोगे बेटा और 5x में से 2x माइनस करोगे, तो यहाँ तो 3x आ गया और ये 21। अब हम इसे पलट दें, क्योंकि हमें चर वाला इस तरफ ही रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे उल्टे हाथ पे रखते हैं, तो ठीक है 3x इक्वल्स टू 21, x का जो मान आ गया वो क्या आ गया 21/3, क्योंकि 3 यहाँ किस में है, गुणा में है, तो यहाँ इधर भाग चला जाएगा, 3 × 7 = 21, तो क्या आ गया बेटा 7 आ गया। x का मान आया है, ये अभी संख्या नहीं आई है, x का मान आया है। अब आपने माना क्या था, x दूसरी संख्या को x माना था, तो दूसरी संख्या जो होगी वो क्या आएगी आपकी 7, तो पहली संख्या क्या है 5x है, तो 5 × 7 = 35 हो गया, आ गया समझ में, 5 × x तो 5 × 7 = 35, समझ में आ गया बेटा, पहली संख्या आपकी 35, दूसरी संख्या आपकी 7, समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग कल स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन से, ओके।